राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो कि बागी होकर 2013 में चुनाव लड़े और जनता सेना का गठन किया, वो अपने समर्थकों के साथ आज उदयपुर से अपना नया प्रत्याशी उतार रहे हैं और उनकी सेना यहाँ पर कलेक्ट्री के बाहर खड़ी है। बात करेंगे जनता सेना के जिलाध्यक्ष जी से। सर, आप बताइए किस तरह का माहौल है और आज क्या रणनीति लेकर के जनता सेना इस मेवाड़ के इस चुनावी संग्राम में उतर रही है? जैसा कि आपने बताया था कि हम नया प्रत्याशी उतार रहे हैं, ये प्रत्याशी नया नहीं है, ये उदयपुर का बहुत पुराना प्रत्याशी है और इन्होंने उदयपुर के लिए दलपत जी सुरवाला ने बहुत योगदान दिया हो अपना। बस इन्होंने एक राजनीति के स्वार्थ के व्यक्ति के कारण एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने इनको अपना ऊपर नहीं आने दिया, इनको ऊपर उठने नहीं दिया, बाकी इस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन उदयपुर को दिया है और जनता सेना ने ऐसे व्यक्ति को भैरवसिंह शेखावत मंच के साथ संगठित करके हमने दलपत जी सुरवाला को उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में शहर के लिए उतारा है और निश्चित तौर पर हमारा प्रत्याशी विजय होगा। गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं, मेवाड़ के 28 जीत से जिताने का दारोम के ऊपर है, ऐसे में गुलाबचंद कटारिया को उदयपुर में घेरने के लिए क्या रणनीति उन्होंने बनाई है? उदयपुर के अंदर बीजेपी का कोर वोटर जैसे ब्राह्मण हो, जैन समाज हो, काफी मजबूती से साथ भाजपा के साथ खड़ा है, ऐसे में कैसे उनके वोट पर सेंध लगा पाएंगे आप? जनता सेना ऐसी पार्टी है जो कभी जाति पात चुनाव नहीं लड़ती है, ना हिंदू मुस्लिम करते, ना सिख ईसाई करते, ना जैन ब्राह्मण करते हैं, नाम जैन ब्राह्मण करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। माननीय महाराज साहब ने मेवाड़ में झंडा गाड़ा है जनता सेना का और निश्चित तौर पे हम गुलाबचंद कटारिया को जो सिर्फ नाम के गृह मंत्री है, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर वो नहीं कर सकते, उनके लोग यहाँ पे अपना दबदबा जताते हैं, उनके पार्टी अध्यक्ष उनके नेता पुलिस वालों पर अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ऐसा गृह मंत्री क्या काम का जो उदयपुर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं को नहीं रोक पाया, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए, ऐसे गृह मंत्री सिर्फ नाम के हैं, इसलिए उदयपुर की जनता ने ठान लिया है दलपत सुरवाला को लाना है और विजय बनाना है। कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है? जनता सेना वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान संभाग में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पे हम लोग विजय हासिल करेंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस पार्टी भी इस बार काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि राजस्थान की परंपरा को लेकर उनको आस है कि इस बार कांग्रेस के लिए बहुत कुछ इस चुनाव में होगा। कांग्रेस से कितनी चुनौती आपको मिल सकती है? चुनौती तो उनको अपने आप से, वो इतने दिन तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाए, वो क्या चुनौती देंगे हमको, जिनके लिस्ट जारी करने के लिए उनको निर्णय लेना पड़ रहा है, हमारे कोई चुनौती में नहीं है, न गुलाब जी चुनौती में है, न गिरजा चुनौती में, सिर्फ एक ही नाम दलपत सुरवाला, दलपत सुरवाला। महाराज साहब सेना जनता सेना के समर्थक जो की कलेक्ट्री के बाहर बहुत उत्साह के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को घेरने के लिए बहुत जबरदस्त रणनीति के साथ मैदान में है। क्या रणनीति है इस बार विधानसभा चुनाव आप पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में उनको हराने के लिए क्या स्ट्रेटजी के साथ आप उतर रहे हैं? नहीं, हमको किसी को हराना नहीं है, लेकिन जनता को एक चेंज चाहिए। बहुत साल हो गए, उदयपुर सिटी एक विश्वव्यापी सिटी है, लेकिन हाल देखिए आप सिटी का, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ना कांग्रेस कर पा रही, ना बीजेपी कर पा रही है, तो हमको अब हमारे नए नेता से यह उम्मीद है कि अगर वो आएंगे तो कुछ इस सिटी का भला होगा, ये लेक सिटी नहीं ठेला सिटी हो गई है। मगर यहाँ के जो मुख्य जो हमारा नेता है यहाँ का मेवाड़ का, जो मोदी ने जिसको मुख्य नियुक्त किया, उसने उस स्मार्ट सिटी के जो हिसाब से काम होना चाहिए था वो काम नहीं किया। कि तानाशाही से आप लोग परेशान हैं, क्या इसे प्लानिंग के साथ आप मैदान? प्लानिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है शहर के अंदर। आज हमारे दलपत जी भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं अंकल, आप उनकी दूरदर्शिता उनके कामों से नजर आती है। आप देखें पिछले कुछ सालों के अंदर पूरे विश्व से बेहतरीन शिल्पकार उन्होंने उदयपुर में इकट्ठे किए और फतेह सागर के चारों तरफ बेहतरीन मूर्तियां लगाई, इसे कहते हैं एक स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा प्रारूप। तो इनकी और किसी पद के बिना इन्होंने जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करके शहर को इतना सुंदर बनाया। आज हम देख रहे हैं हमारे शहर की जिलों की हालत क्या हो रहा है, ये देखिए आप स्वरूप सागर के ऊपर कैंटिलीवर बना रहे हैं, क्या करना उस कैंटिलीवर बना के, जो खाना खाएंगे आदमी उसी के अंदर डालेंगे, दो झीलें हैं वो संभल नहीं रही है और उसे हम गंदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दलपत जी सुरवाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और ऐसे में वो पार्टी के साथ छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या इसको अवसरवादिता नहीं माना जा सकता? बिल्कुल अवसरवादिता नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्टी करने कुछ अच्छा काम करने में सक्षम नहीं है और उस जो उम्मीदवार है जो सक्षम आदमी है उसे अगर मौका नहीं दिया जा रहा है तो वो डेफिनेटली उदयपुर की जनता के लिए कहीं ना कहीं तो रुख करेगा और आज उन्होंने यही किया है जनता सेना की तरफ रुख करके। आज 15 सालों में देखा जाए तो समांतर विकास था कोटा और उदयपुर शहर का, आज कोटा कम से कम 20 गुना आगे चला गया और उदयपुर शहर और पीछे चला गया। ये आम व्यक्ति की आवाज है और पीड़ा है और इस पीड़ा को कटारिया साहब नहीं समझ पाए और उन्होंने इतना उदयपुर निवासियों के साथ धोखा किया है, ये आम व्यक्ति समझ सकता है। जय हिंद।
माननीय हमारा साहब रणधीर सिंह जी बिंडर आदरणीय मेवाड़ में जनता सेना का झंडा गाड़ेंगे, डेफिनेटली मेवाड़ में झंडा गाड़ेंगे और 12 सीटों पर विजय बनेंगे। माला साहब ने जो निर्दलीय लेते हुए विकास किया है वो जनता जानती है। कल लोग कहते थे निर्दलीय है क्या करेंगे, ये आपको उदयपुर वासियों को वल्लभ नगर तहसील में आके देखना चाहिए कि निर्दलीय विधायक भी क्या कर सकता है। सेना ने आज यहाँ नामांकन के लिए आप आए हैं, तो क्या रणनीति लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं मेवाड़ की सभी सीटों पर बीजेपी को घेरने के लिए, और खासकर कटारिया साहब से जो आपकी नाराजगी है उसको लेकर के आप पूरी ताकत से इस बार इस चुनाव में उतर रहे हैं। गए बार तो केवल आपकी ही सीट से आपने जीत दर्ज करके उनको पटक नहीं दी, लेकिन इस बार मेवाड़ की सभी सीटों पर हराने के लिए क्या रणनीति लेकर आगे? देखिए, हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। हम लोग उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि नाम तो भारतीय जनता पार्टी का लिया जा रहा है लेकिन कमल कांग्रेस खड़ी है, और जो विकास से पिछड़ गया वो क्षेत्र उसका विकास करने के लिए हम अच्छे कार्यकर्ता को सेलेक्ट करके और उनको खड़े कर रहे हैं ताकि आने वाले 5 सालों में उन क्षेत्रों का विकास हो सके। एक नया सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन, ये तो बहुत विश्वास की लायक ही बात नहीं है, आप कैसे बोल पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप वल्लभ नगर में पहली बार, आप लोग वल्लभ नगर कभी आए नहीं हो, वहाँ पर तो भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही है। जब कांग्रेस को ज़रूरत पड़ती है तो भाजपा मदद करती है, जब भाजपा को मदद की ज़रूरत होती है कांग्रेस मदद करती है, और उसका तो पूरा हमारे पास प्रूफ है। कितनी सीटें इस बार जीतने का प्लान? हमें सभी सीटों पर हम जीतेंगे। आपको कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद? नहीं, सभी सीटों पर जीतेंगे हम, जितने हमारे प्रत्याशी हैं वो सब काबिल हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। ये तो रणधीर सिंह जी पिता महाराज साहब को पूरी सीटों पर जीत के भी उम्मीद कर रहे हैं। एरो की ना गेरो की, जनता सेना सेरो की। एरो की ना गेरो की, जनता सेना सेरो की। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। तो ये जनता सेना के सभी समर्थक हैं। दलपत जी सुराणा ने जनता सेना के टिकट पर आज उदयपुर से अपना नामांकन कर दिया, और उनके साथ जनता सेना के मुखिया महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर भी मौजूद थे, और गुलाब चंद कटारिया जी को उनके ही गृह क्षेत्र में घेरने की पूरी तैयारी के साथ जनता सेना उतर चुकी है। हमारे साथ जनता सेना के पीछे समर्थक भी आप देख पा रहे होंगे। लाएंगे आपके लिए ऐसी अपडेट न्यूज़, देखते रहिए खबर आप।